नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंगलोर कोतवाली के अंतर्गत कस्बा मंगलोर में देश में एनआरसी और सीए को लेकर जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलोर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलोर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक रैली जन जागरण किया। वहीं आपको बता दें कि मंगलोर नगर मंडल अध्यक्ष अंकित कपूर और सोनू धीमान मंगलोर ग्रामीण अध्यक्ष की अध्यक्षता में सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उसके साथ ही भारत माता के उद्घोषण के साथ बाइक रैली का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लोगों को एनआरसी और सीए के बारे में पता कर इस कानून का समर्थन करने को कहा। इसी के साथ जो लोग आधी अधूरी जानकारी होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाए। हमारे यहाँ कार्यक्रम है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, इस कानून को लेकर के जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि इस कानून से किसी की नागरिकता छीनना इस कानून का मकसद नहीं है, बल्कि नागरिकता देना इस कानून का मकसद है। और नागरिकता भी उन लोगों को जो और देशों में प्रताड़ित किए जाते थे और हमारे यहाँ शरणार्थी हैं। तो ये जो दुष्प्रचार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर जा रहे हैं और ये रैली भी उसी के माध्यम से, उसी कारण से हो रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि जो शरणार्थी है ये कानून उनके लिए बना है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए बना है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है। इसमें जो लोग दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए हैं उन्हें नागरिकता दी जा रही है और NCR और NPR अब तक हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ आसाम के लिए था। इस बारे में मैसेज देने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं।